आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडिया की 150cc कैटेगरी की सबसे ज्यादा पावरफुल बाइक यामाहा R15 के बारे में। काफी टाइम से इस बाइक की लॉन्च को लेकर के डाउट्स थे। कुछ कह रहे थे कि ये बाइक लॉन्च होगी, कुछ लोग कह रहे थे कि ये बाइक लॉन्च नहीं होगी, बट यामाहा ने इस न्यूज को कंफर्म कर दिया कि यामाहा का वर्जन 4 इस साल इंडिया में लॉन्च होने वाला है। R15 इंडिया में यामाहा की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल और सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक है। तो R15 के वर्जन 4 में वर्जन 3 के कंपैरिजन में आपको क्या क्या नई चीजें मिलेंगी, उसके बॉडी में कैसे चेंजेस होंगे, उसके लुक्स में कैसे चेंजेस होंगे, उसके इंजन पावर में क्या बदलाव होगा, अगर उसमें ग्राफिक्स आ रहे हैं तो क्या वो नए आएंगे या पुराने आएंगे, उसके प्राइस और लॉन्च डेट के साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि उसका जो मेन कॉम्पिटिटर है CBR 150, उसके कंपैरिजन में R15 का वर्जन 4 ज्यादा बढ़िया होगा या फिर CBR 150 ज्यादा अच्छी होगी। सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज सैम सिद्दीकी फ्रॉम द रोलिंग पिस्टन्स और आप सभी लोगों को हमारा पिस्टन सलाम। में वर्जन 3 लॉन्च करने के बाद यामाहा की सेल्स 59% इंक्रीज हुई है। तो चलिए अब जानते हैं कि यामाहा ने R15 के वर्जन 4 में क्या अपग्रेड्स करें हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके सस्पेंशन और चेचिस की। R15 वर्जन 4 में आपको डेल्टा बॉक्स फ्रेम देखने को मिलेगा, ये हो गया पॉइंट 1। उसी के साथ ही साथ इस बाइक में आपको रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन तो देखने को मिल ही जाएंगे, बट फ्रंट में हो सकता है कि इसमें आपको USD फोक्स भी देखने को मिले, जो कि एक कॉस्टली फीचर है। अभी कुछ टाइम से सारे मैन्युफैक्चरर्स अपनी पुरानी बाइक्स को नया लुक दे करके नया जीवन देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब यामाहा R15 का वर्जन 1 आया था ना, तो बहुत लोगों की ड्रीम बाइक हुआ करती थी वो, और वो बाइक में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया पावर था, और पावर के साथ ही साथ वर्जन 1 में आपको कम्फर्ट भी मिलता था। आपको जो पिलियन राइडर था उसको ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती थी, वो इजीली बैठ जाता था और आप लंबे टूर्स पर भी जा सकते थे। बट जब वर्जन 2 आया तो उसको बहुत ही ज्यादा शार्प और बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव लुक देने के चक्कर में, बहुत ही ज़्यादा समझ लो एकदम नुकीला करने के चक्कर में, उस बाइक के कंफर्ट को एकदम ज़्यादा ख़त्म कर दिया गया। आप देख रहे हो पिलियन सीट पे जो पीछे इंसान बैठा था वो लगता था कि ऐसे आसमान पर बैठा हुआ है। फिर आया वर्जन 3 जिसमें आपको बैलेंस देखने को मिला, उतनी ज़्यादा उसकी आपके पिलियन सीट की हाइट नहीं थी, गाड़ी भी थोड़ा सा बढ़िया लग रही थी दिखने में, काफ़ी ज़्यादा नए नए चेंजेस आए थे और लुक्स में भी काफ़ी ज़्यादा बेटर थी। तो फिर अब आप ही बताओ, जब इतनी सारी चीज़ें अभी रिसेंटली आई हैं, जब वर्जन 3 अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो वर्जन 4 में आपको क्या मिल सकता है? तो मेरे ख्याल से आपको वर्जन 3 के कंपैरिजन में वर्जन 4 में बहुत ही ज्यादा कॉस्मेटिक चेंजेस तो देखने को नहीं मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा ह्यूज चेंजेस नहीं मिलेंगे आपको डिज़ाइन में देखने को, बिकॉज अभी वर्जन 3 जो है वो दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बाइक लगती है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आ रही है। तो इसको एकदम से चेंज कर देना वर्जन 4 के लिए, मेरे हिसाब से ये यामाहा के लिए सेंस नहीं बनाएगा, बिकॉज वर्जन 3 इज़ अ प्रीटी गुड पीस। बहुत ही ज़्यादा माइनर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ लुक्स एंड डिज़ाइन, अगर आप वर्जन 3 से वर्जन 4 को कंपेयर करोगे तो। बेसिकली इसमें आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक तो इसमें आपको ग्राफिक्स मिलेंगे, नए ग्राफिक्स देखने को मिल सकते हैं, दैट्स वन थिंग। उसके बाद में इसमें आपको जो कलर स्कीम्स मिलेंगी वो R1 और R6 से इंस्पायर्ड होंगी। इसमें आपको 4 कलर स्कीम्स मिलेंगी, ठीक है, एक आपको मिलेगी मेटालिक रेड, एक आपको मिलेगी इम्पैक्ट येलो, एक आपको मिलेगी टेक ब्लैक, और आपकी सबसे ज़्यादा फेमस रेसिंग ब्लू। ये 4 कलर्स में आपके जो कि R1 और R6 से इंस्पायर्ड होंगे, ये डिफरेंस होगा आपका, जिसमें आप वर्जन 3 और वर्जन 4 के बीच में डिफरेंस ढूंढ सकते हो कि कौन सी बाइक कौन सी है। बाकी उसके अलावा मेरे हिसाब से कोई ऐसा सेंस नहीं बनता है कि यामाहा वर्जन 3 के कंपैरिजन में वर्जन 4 में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस दे दें इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन और लुक्स। तो ये दो पॉइंट्स हो गए आपके लुक और डिज़ाइन में, जिसमें आपको एक ग्राफिक्स थोड़े से अलग मिल सकते हैं, दूसरा आपको कलर स्कीम्स जो है वो थोड़ी सी अलग देखने को मिलेंगी, तीसरा अगर हम लोग को यामाहा ऑफकोर्स सरप्राइज करना चाहे तो वो कोई नया एलिमेंट ला के दे सकता है, और वो जैसे ही लेकर के आएगा हम आपके पास आ जाएंगे। अब चलिए इसके इंजन के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि यामाहा ने लुक वाइज बाइक में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करे, पावर वाइज R15 वर्जन 4 में आपको मिलेगा 155cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल SOHC VVA 4-स्ट्रोक इंजन। इस बार यामाहा अपनी R15 वर्जन 4 में DOHC की जगह SOHC इंजन प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से इसका पावर रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। जहां वर्जन 3 आपको 18.6 PS का पावर प्रोड्यूस करता है और करीब 14 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, वहीं वर्जन 4 आपको
20 ब्रेक हॉर्स पावर प्रोड्यूस करेगा और उसी के साथ साथ 16.1 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो आप डिफरेंस देखो, एक इंजन जो ऑलरेडी काफी ज्यादा पावरफुल था उसको और पावरफुल कर दिया है। ये इंजन और भी ज्यादा रिफाइंड होगा बिकॉज ऑफ SOHC और उसी के साथ साथ आपको इसमें 6-speed गियरबॉक्स का ऑप्शन भी मिल जाएगा। R15 वर्जन 3 और वर्जन 4 को अगर कंपेयर करो इंजन वाइज तो दोनों में ही आपको 155 सीसी का सेम इंजन मिलता है, समझ रहे हो, लेकिन एक में आपको मिलता है DOHC, एक में आपको मिलता है SOHC, जिसकी वजह से दोनों का पावर रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा वेरिएट करता है। एक में आपको 18 मिल रही है ब्रेक हॉर्स पावर, एक में आपको 20 मिल रही है। तो वर्जन 4 कुल मिलाकर के ज़्यादा पावरफुल बाइक होगी इन कंपेरिजन टू वर्जन 3। काफ़ी सारे लोग NS200 और RS200 के साथ भी R15 का कॉम्पिटिशन देखते हैं, बट उनका इंजन डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है। जहां आपको R15 में 155 सीसी का इंजन मिलता है, वहीं आपको 200 सीसी का इंजन मिल रहा है, तो कंपटीशन कहीं आता ही नहीं है। बट अगर आप इसे CBR150 के साथ कंपेयर करोगे तो पावर वाइज ऑलरेडी ये आगे थी CBR150 से, अब और भी ज्यादा बढ़िया हो जाएगी। तो पावर वाइज हमेशा ही R15 आगे थी और आई होप इन फ्यूचर भी यामाहा R15 जो है वो पावर वाइज ज्यादा ही आगे रहेगी। जहां वो लैक करती है वो है इसके फीचर्स, लेकिन इस बार 2021 में जो वर्जन 4 लॉन्च होने जा रहा है उसके अंदर यामाहा ने ढेर सारे फीचर्स दिए हैं, भर भर के फीचर्स दिए हैं। तो अब बात करते हैं इसके फीचर्स की और देखते हैं कि वर्जन 4 में आपको क्या क्या फीचर्स मिल सकते हैं। सबसे पहले वर्जन 4 में आपको देखने को मिलेगा एक ब्रांड न्यू डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ठीक है, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारी बाइक की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। उसी में आपको स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, उसी में आपकी रेंज, उसी में आप फ्यूल अपना देख सकते हो, बाकी भी बाइक से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस नए डिजिटल कंसोल में मिल जाएंगी। उसके बाद में इसमें आपको LED DRL लाइट्स मिलेंगी और जो इसके ऑलरेडी हेडलैम्प्स हैं, तो अभी तक यामाहा वालों की बहुत ही ज़्यादा शिकायत रहती है जिनके पास भी R15 है, वो कहते हैं कि यार उसके अंदर बहुत ज़्यादा लाइट नहीं आती है, रात में दिखता नहीं है, तो ये शिकायत यामाहा ने दूर करने की कोशिश करी है उसका इल्यूमिनेशन और भी ज्यादा बढ़ा करके। आपको आगे भी LED लाइट्स मिल रही है, आपको टेल में भी, रियर में भी जो है LED लाइट्स ही मिल रही है। उसी के साथ साथ आपको उसका जो इल्यूमिनेशन है हेडलैम्प्स का वो भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है, जिससे कि लोगों की ये भी शिकायत दूर हो जाए। वर्जन 4 में आपको देखने को मिलेगा एक 140mm का वाइड टायर जो कि इसकी ग्रिप को भी बेटर करेगा और इसके परफॉर्मेंस को भी और इनहांस करेगा। उसके बाद में आपको वर्जन 4 में एक नया एग्जॉस्ट सिस्टम भी देखने को मिल सकता है। अगर इसके डिस्क ब्रेक की बात करें तो इसमें फ्रंट और रियर दोनों में डिस्क ब्रेक्स होंगे। इसके फ्रंट में आपको 282mm का डिस्क ब्रेक मिलेगा और रियर में आपको मिलेगा 220mm का डिस्क ब्रेक। उसी के साथ साथ इस बाइक की जो सबसे बड़ी शिकायत रहती है लोगों को, इस बाइक में कंफर्ट जीरो है। तो यामाहा ने बोला है कि जो वर्जन 4 आने वाला है उसकी जो सीटिंग पोजीशन है उसको भी थोड़ा सा चेंज किया जाएगा ताकि उस बाइक का कंफर्ट जो है वो बढ़ सके, राइडर के लिए भी और पिलियन के लिए भी। इस बाइक का जो वेट है वो भी थोड़ा सा रिड्यूस करा गया है। इस बाइक का वेट 142 kgs का होगा। उसी के साथ साथ इस बाइक में आपको रियर में एक ब्रांड न्यू एल्यूमिनियम का आर्म भी देखने को मिलेगा। उसके बाद में वर्जन 4 के जो एरोडायनामिक्स है उसको भी थोड़ा सा बेटर करा गया है जिसके डिजाइन के थ्रू, ताकि बाइक और ज्यादा स्पीड में जा सके, थोड़ी और ज्यादा फास्ट हो सके। उसके बाद में एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया ऑप्शन आपको इस बाइक में देखने को मिलता है जो कि ऑलरेडी यामाहा की MT-15 में आपको देखने को मिलता है, जो कि है कस्टमाइजेशन का, कस्टमाइज योर ओन बाइक। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है जिसकी वजह से हर एक इंसान अपनी बाइक को इंडिविजुअली अपनी तरह से, समझ लो, यूनिक बना सकता है डिज़ाइन के थ्रू। अब चलिए चल के बात करते हैं इस बाइक के प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में, जिसके ऊपर भी बहुत सारा कन्फ्यूजन है। आइडियली इस बाइक को मई 2020 में लॉन्च हो जाना चाहिए था, बट अभी आप करंट सिचुएशन समझ रहे हो, पैंडमिक सिचुएशन है, लोग ऐसे बाहर नहीं जा सकते और मैन्युफैक्चरर्स भी अपने बाइक को थोड़ा सा होल्ड रख रहे हैं बिकॉज जो उनकी मैक्सिमम सेल्स होती है वो अक्टूबर नवंबर के महीने में होती है। तो ऐसा सुनने में आ रहा है, अभी हालांकि इसके ऊपर कोई कन्फर्मेशन नहीं है, बट ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये बाइक आपकी नवंबर दिसंबर के आसपास लॉन्च हो सकती है। अब बात करें अगर इसकी प्राइसिंग के ऊपर, तो 1.65 लाख से लेकर के 1.75 लाख एक्स शोरूम इसका प्राइस हो सकता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने R15 वर्जन 4 के बारे में सारी A to Z बात करी। हमने उसके लुक्स के बारे में बात करी, कैसे दिखेगी, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, कितने की मिलेगी, कब मिलेगी, सारी चीज़ें R15 के वर्जन 4 के बारे में अब आप लोगों को पता है जितनी हमें पता थी। बट अगर आप लोगों को हमें कोई सजेशन देना है, देन प्लीज़ कमेंट अस और राइट अस एट rollingpistonsindia और rollingwithsaim एंड वी विल गेट बैक टू यू। टिल देन व्हाट यू गाइस हैव टू डू इज दैट यू गाइस हैव टू कीप ड्रीमिंग, स्टे वेरी सेफ एंड कीप वर्किंग हार्ड फॉर योर ड्रीम्स। आई विल कैच यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, पिस्टन सलाम।